love it. सो हेलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको माइल्ड इफेक्ट प्लस शेक इफेक्ट सिखाऊंगा पीसी में, मतलब कि ये फिल्मोरा में, जो आपका लैपटॉप पीसी दोनों में। अभी एंड्रॉयड के लिए यार ये इफेक्ट पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ ढूंढने की। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे डेस्कटॉप का सिखा रहा हूँ, तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको जो अपना फिल्मोरा है उसे ओपन कर लेना है, और अगर आपको फिल्मोरा का क्रैक वर्जन चाहिए तो आप यूट्यूब कर सकते हो, मैंने वहीं से डाउनलोड किया है। और आपको कुछ स्टेप फॉलो करने हैं तो आपका इजीली ये क्रैक वाला हो जाएगा। तो वो भी हमने फिल्मोरा स्टार्ट कर लिया, और ये फिल्मोरा 10 है, तो आप 9 में भी यही सेम प्रोसेस है, आप वहीं से ऐसे कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक वीडियो ले लिया हमारा, तो ये आ गया हमारा वीडियो। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ से क्या कुछ माइल्ड इफेक्ट कुछ नहीं है। सो अभी आपको जाना है इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में जाओगे तो आपको यहाँ पे एक शेक का मिल जाएगा फिल्टर में। तो जैसे आप शेक में जाओगे आपको यहाँ पे सभी शेक इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। सो हमारा मेन दो ही है, एक ये माइल्ड और एक ये चाओस 2, उसका क्या नाम है पता नहीं। सो अभी हम सबसे पहले जो अपना माइल्ड वाला इफेक्ट है उसे यहाँ पर लगा लेते हैं, और ऐसे ही हमें दूसरा लगाना है, क्योंकि एक हम फास्ट रखेंगे और एक हम स्लो रखेंगे इसलिए। सो हम यहाँ पे पूरा एंड तक रख देते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको उस पर सेटिंग में जाना, और उसका जो आरजीबी है इसको ऑफ कर देना है। ये आपको सिर्फ माइल्ड में करना है, जैसे मैंने अभी अनटेक किया वो आरजीबी वाले को। तो चलिए अभी इसके सेटिंग्स आपको मैं दिखा देता हूँ। तो गाइज़, इसका जो फ्रीक्वेंसी है उसे आपको कर देना है 0.24। उसका जो एक्स वाला है उसको हम कर देंगे 90, और जो उसका वाई है वो आपको सेम ही रखना है 4, और जो उसका लास्ट वाला है जेड उसे आपको कर देना है 5.38 या 35, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो अब देख सकते हैं ये हमारा हो गया स्लो माइल्ड इफेक्ट। जैसे स्टार्टिंग में कुछ बीट नहीं होते, सिंपल कुछ डायलॉग होते हैं, तभी आप इसे यूज़ कर सकते हो। सो अभी हम चलते हैं हार्ड वाला, जो अपना मेन है बीट वाला। सो उसका आपको फ्रीक्वेंसी 60 रखना है, और उसका जो एक्स है उसको आपको कर देना है 29, उसका वाई आपको वही रखना है 4, और उसका जो जेड है उसको आपको कर देना है 550 या 520 जितना। अब इसका जो वाई है उसको आप 5 तक कर सकते हो, एक दो बढ़ा सकते हो। सो आप देख सकते हैं गाइस, ये हमारा हो गया माइल्ड इफेक्ट। जो मैं सेम यूज़ करता हूँ वही मैं आपको सब सेटिंग दिखा रहा हूँ, कुछ अलग नहीं है, सेम मेरे सेटिंग्स है। ओके गाइस, ये हमारा हो गया माइल्ड। तो अभी आपको शेक इफेक्ट डालना है, तो आपको इसमें सिलेक्ट करना है चाओस 2, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। और इसका मैं आपको 3 इफेक्ट दिखाऊँगा, तीनों अलग अलग। सो अभी हम सबसे पहले फर्स्ट वाला करते हैं। सो इसका आरजीबी आपको ऑन ही रखना है, और जो इसका फ्रीक्वेंसी है उसे आपको कर देना है 166 वही रखना है। उसका जो एक्स है उसे भी आपको 50 नहीं रखना है। उसका वाई आपको चेंज करना है वो कर देना है 0.34, और उसका जो जेड है उसे आपको कर देना है 37.86। इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा कम कर सकते हो, लेकिन मैं आपको मेरा ये सेटिंग्स दिखा रहा हूँ। ओके गाइज, ये हमारा हो गया एक इफेक्ट। तो आप देख सकते हो कितना मस्त से एक इफेक्ट आ रहा है हमारे वीडियो में। सो चलिए अभी मैं आपको और एक चाओस 2 का इफेक्ट दिखाता हूँ। सो अभी आप इसका मैं एक बात बोलना भूल गया कि इसमें आप आरजीबी ऑफ करोगे तो भी चलेगा, अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे बंद ना करें, ताकि उसमें अच्छा लग रहा है आरजीबी में। लेकिन आप बंद भी कर दोगे तो भी अच्छा ही लगेगा, तो आपकी मर्ज़ी, आपको जो करना है। सो अभी जो दूसरा इफेक्ट है उसके आपको फ्रिक्वेंसी कर देना है 234, आप उसके उतने आसपास आप रख सकते हो। और उसका जो वाई क्या बोलते हैं उसका एक्स है आपको 50 नहीं रखना है, वाई को आपको चेंज कर देना है 0.34, और उसका जो जेड है उसको आप कर देना है 56 जितना। सो एक्स और वाई ऑलमोस्ट सब में सेम ही है तीनों इफेक्ट में, आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी एंड जो उसका जेड वाला ही चेंज करना है। सब देख सकते हैं हमारा दूसरा शेक इफेक्ट हो गया, देख सकते हो आप कितना मस्त ये शेक हो रहा है। और ये मेरा सेम जो मैं यूज़ करता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। सो अभी हम और एक आपको इफेक्ट दिखा देते हैं।
सो जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसका वो एक्स और वाई सेम ही रखना है, इसका फ्रीक्वेंसी हम कर देंगे 329 जितना, ओके उसके आसपास आपको कर देना है, और ये दोनों आपको सेम ही रखना है, उसमें कुछ नहीं करना। और जो उसका जेड है उसको आपको कर देना है 43.86 जितना, उसका वाई और एक्स सेम ही है सब में 15 और 34, तो आप सब में सेम ही रखना है आपको, ठीक है। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट वीडियो, आप अभी देख सकते हो यहाँ पे स्लो और ये फास्ट माइल इफेक्ट प्लस सेक और दूसरा सेक, एक्स एक्स और वाई तीनों में सेम, सिर्फ फ्रीक्वेंसी एंड वही चेंज करना है आपको, जो उसका वाई है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन वो सब में सेम ही है 0.34। सो आपको सिर्फ दो ही चीज़ें याद रखनी है। सो बस आज की वीडियो में बस इतना ही था, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और यार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं आपके लिए यार ऐसे वीडियोस डालता रहता हूँ, लॉबी वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल, और ये इफेक्ट जो अभी तक सभी यूज़ करते हैं वही मैं आपको दिखाया हूँ। इसमें आपको चेंज करना है तो आप थोड़ा आगे पीछे सब खेल सकते हो उसको, आप मस्त इफेक्ट आप अपना खुद भी बना सकते हो। सो बस आज की वीडियो में बस इतना ही था, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।